5 मिनट का टेस्ट या थोड़ा थोड़ी पीछे हो गए सर बिकॉज साढ़े सात साल से स्मार्ट वैली में हूँ और दिल्ली तो स्मार्ट वैली का शुरुआत है। और दिल्ली में एक बात सुना था, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। आज इस भाई साहब से मुलाकात हुआ, सच्ची में दिल बहुत बड़ा होता है क्योंकि बहुत भूले से खुद से आके मुझसे बात किए, पिक्चर उठाए और वीडियो भी कर रहे हैं क्योंकि अपने टीम को दिखा सके जाते अपने टीम मोटिवेटेड हो। तो स्मार्ट वैली के अलावा ऐसा दोस्ती, स्मार्ट वैली के अलावा ऐसा भाईचारा था वहाँ पे भी नहीं मिलता। अपने सीनियरों को रिस्पेक्ट कीजिए, किसी का टीम चाहे कुछ भी हो, किसी का पिन चाहे कुछ भी हो, उनका दिल देखिए, वो आपके लिए कितना सोचता है क्योंकि आने वाले टाइम पे उसको भगवान बड़ा जगह पे ले जाएगा और आप अगर उनका हाथ पकड़ के रह गए तो आप भी बड़ा जगह जा सकते। तो मैं स्मार्ट वैली में छोटा सा बंदा हूँ, अभी भी कुछ नहीं सीखा। बड़े बड़े दिग्गज है, बड़े बड़े लीडर है, इन लोगों का जैसा एक पागलपन है, कुछ बहुत कुछ बड़ा करना है, इसलिए इतना एक्साइटेड है। आज से 7 साल पहले इतना एक्साइटमेंट लेके मैंने भी स्टार्ट किया था, देखते देखते 7 साल गुजर गया, अचीवमेंट हो गया, स्मार्ट वैली में टाइम पास करना है। और अभी फिलहाल हम लोगों ने सीखा जिंदगी में प्रोफेशनल होना है। बाहर में जो लोग चार्टर अकाउंट करते हैं, जो लोग डॉक्टर करते हैं, वो लोग पागल नहीं है, वो लोग पहले पहले इनकम नहीं पाते लेकिन उन लोगों का पिता माता सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है। हम लोगों का पिता माता एक साल होते ना होते स्मार्ट वैली में गाली देना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का स्मार्ट वैली का दोष नहीं है, ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, उन लोगों का इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम लोगों को खड़े होने के लिए 2 साल भी नहीं दे सकते। फिर भी लड़ना है, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का हम भी कुछ दे नहीं पाएंगे। उन लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हम लोगों का एक अच्छा सन भी होना है आने वाले हम लोगों का पिता माता के लिए और हम लोगों का अच्छा पिता माता भी होना है आने वाले टाइम पर अपने बच्चों के लिए। आज मैंने जब कॉलेज जाना स्टार्ट किया था, मेरा पिताजी रिक्शा चलाते थे, तब मैं एक बांग्ला साइकिल करके जाता था, 500 रुपये का सेकेंड हैंड साइकिल। आज आने वाले टाइम पे अगर मेरा कोई औलाद हुआ तो स्कूल में जाएगा तो डीसी अवंती करके जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। स्मार्ट वैली में एक बार अगर शुरुआत हो गया, गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गया तो थमता नहीं है। डीसी अवंत तो फास्ट है, आने वाले टाइम पे हम लोगों का टारगेट है बेंटली या लैम्बोर्गिनी। अगर स्मार्ट वैली रहेगा, स्मार्ट वैली का आशीर्वाद रहेगा, इनका प्यार रहेगा और ऑनेस्टी रहेगा तो 100% सबके लिए पॉसिबल है, हम लोगों के लिए पॉसिबल हुआ है, सबके लिए पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक।